नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो दुनिया भर में योग गुरु के नाम से प्रसिद्ध बाबा रामदेव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस बार बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगा दी है। विज्ञापन का मामला आप सभी को याद होगा कि किस तरीके से यह आरोप लगाया गया था कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया भर में प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इस कंपनी ने जो विज्ञापन है उसका इस्तेमाल किया है, भ्रामक विज्ञापन इसे कहा जा रहा था, जो दावे किए जा रहे हैं दवाइयों को लेकर वो बिल्कुल गलत हैं और बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दावे किए जा रहे हैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से। विज्ञापनों का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, दवाइयों का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिसे लेकर एक याचिका डाली गई थी। इस याचिका पर एक्शन लिया जा रहा है और अब बाबा रामदेव को जब कोर्ट ने नोटिस दिया था और इस कंपनी के जो MD है बालकृष्ण आचार्य, उनको नोटिस दिया गया, जब नोटिस पर कोई जवाब नहीं आया तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फटकार बाबा रामदेव को लगाते हुए कहा है कि जब कोर्ट की ये अवमानना का मामला है, आपने कोर्ट ने जब नोटिस दिया था तो आप पेश क्यों नहीं हुए। और आज बाबा रामदेव कोर्ट में पेश हुए, क्या कुछ हुआ कोर्ट में वो भी आपको बताते हैं। हालांकि कंपनी द्वारा इस मामले में कोर्ट से अपनी गलती पर बिना शर्त माफी भी बाबा रामदेव के द्वारा मांग ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट जवाब से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था और ये कहा जा रहा है कि अब बहुत बड़ा झटका और फटकार बाबा रामदेव को लगी है। आज अदालत ने पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को अदालत के नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, जिस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। जस्टिस कोहली ने पूछा है कि बाबा रामदेव के जवाब में उनका क्या कहना है इस नोटिस के जवाब में, जिसका वकील ने जवाब दिया कि प्रतिवादी की पांच कंपनी है और प्रतिवादी 6 प्रबंध निदेशक हैं। जस्टिस कोहली ने कहा है कि हम 27 फरवरी के आदेश का 9वां पैरा देख रहे हैं और ये इस बारे में था कि कंपनी और प्रबंधन के खिलाफ अवमानना क्यों नहीं होनी चाहिए और फिर उस हलफनामे को दाखिल ना करने का आदेश दिया जाए। आपको यह भी जानकारी दे दे कि जस्टिस अमानतुल्ला ने कहा कि आपको पहले हमें दिखाना होगा कि दोनों जवाब कहां हैं। इसके बाद बाबा रामदेव के वकील ने आचार्य बालकृष्ण का हलफनामा भी पढ़ा। न्यायमूर्ति ने कहा कि एक बार यह अदालती कार्रवाई है और निर्देश है तो इसकी जानकारी देने के लिए कौन जिम्मेदार है, यह बचाव के योग्य नहीं है, तो आपकी माफी काम नहीं करेगी। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने इसके लिए माफी मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए यह माफी काफी नहीं है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट को दिए गए वचन का घोर उल्लंघन है, क्योंकि आपकी ये माफी काम नहीं करेगी। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके वचन का पालन किया जाना चाहिए, जो कि एक गंभीर है, जो हमें इस बात के लिए प्रभावित करती है कि वो ये है कि आपने उसके बाद क्या किया, आपने नोटिस का उल्लंघन किया जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, हमें ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। आपकी माफी स्वीकार करने का क्या कारण है, आपके मंत्रालयों को सूचित करना चाहिए था, आपको ये सब सरकार को बताना चाहिए था। आपको बता दें कि याचिका डाली गई थी कि बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं, जो दवाइयां वो बेचते हैं, उनमें जो प्रचार किया जाता है, जो विज्ञापन लगाए जाते हैं, वो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं और उसे भ्रामक विज्ञापन कहा गया था। जो दावे किए जा रहे थे उन विज्ञापनों में वो बिल्कुल परे थे, तथ्यों से हटकर थे और इसे लेकर बीते साल सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। हालांकि बाबा रामदेव माफी मांग चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सिर्फ माफी ही काफी नहीं है, अगर कोर्ट की तरफ से आपको नोटिस दिया जा रहा है तो आपको व्यक्तिगत तौर पर पेश होना पड़ेगा। और यही कारण रहा कि बाबा रामदेव व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। लेकिन क्या सिर्फ फटकार काफी है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसे लेकर काफी लंबे समय से बहस हो रही है। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या बाबा रामदेव की माफी ही काफी होगी या फिर आगे की कार्रवाई भी की जानी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।